हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब आज की वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग बायलैटरल रिलेशंस एंड पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज। तो एक ऐसी पॉलिसी जहाँ पे क्या होता है कि एक कंट्री बायलैटरल रिलेशंस, मतलब दूसरे कंट्री से उनका रिलेशन होता है और वो इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी। विच इज़ द बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। तो फॉरेन पॉलिसी का क्या बेसिस क्या होता है, इसमें मेनली जो फोकस किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी पे। विच आर द टू इंडिकेटर्स ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी दो तरीके की हो सकती है, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। विच इंटरनल पैरामीटर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे बेस्ड है ये, हिस्टोरिकल, कल्चरल, नेशनल फिलोसफी एंड नेशनल आइडेंटिटी। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री अमॉन्ग द मेम्बर्स ऑफ एशियान। एशियान एशियान जो है वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ठीक है, उसमें जो लार्जेस्ट मेम्बर है वो कौन सा है, वो है इंडिया। वेयर वॉज द एशियन समिट हेल्ड इन मार्च 1947। तो मार्च 1947 में एशियन समिट कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। हाउ डज फॉरेन पॉलिसी हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो फॉरेन पॉलिसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प मिलता है, तो थ्रू फॉरेन रेमिटांस, है ना, मतलब फॉरेन से हम कभी लोन ले लेते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है, या फिर IMF हो, या फिर है फॉरेन करेंसी रिजर्व, जैसे कि जो काफ़ी फ्रिक्वेंट करेंसी, जो कि काफ़ी स्टेबल करेंसी है, हम उसका रिजर्व रखते हैं, उसी में हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। हुज वेल बींग इज़ पैरामाउंट वाइल फॉर्मुलेटिंग अ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी जब भी हम कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अगर फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, ठीक है, तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वेल बींग ऑफ द सिटीजन्स, मीन्स उस कंट्री के सिटीजन्स के खिलाफ कुछ ना हो बस। विच प्रिंसिपल्स इज़ द बेसिस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी का जो बेसिस है वो क्या है, फ्रीडम ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट्स ओन पॉलिसीज। मीन्स यही फॉरेन पॉलिसी में है कि वो जो भी अपना स्टेप है फॉरेन से रिलेटेड वो बिना किसी इंटरफेरेंस के ले सकती है। According to India, which international organization is very crucial to maintain international peace and stability? तो इंडिया के अकॉर्डिंग कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ये यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। द नॉन अलाइनमेंट फॉरन पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो पहले जब स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसा, मतलब जब कोल्ड वॉर का टाइम था, तो एक साइड था USA, दूसरी साइड था कौन, रशिया। तो इसमें ऑप्शन था कि आप किसी एक के साथ इंक्लाइन हो सकते हैं, लेकिन इंडिया उस टाइम में क्या रहा, ना किसी के साथ ज़्यादा किसी के साथ उनका इंक्लिनेशन नहीं हुआ, मीन्स यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाया। तो ये कौन, किसने अपनाया था इसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विच वैल्यूज़ हैव एन इम्पैक्ट ओवर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो कौन कौन से वैल्यूज़ की वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक टॉलरेंस, ठीक है, रिसोर्सेज और नॉन वायलेंस, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नॉन अलाइंड मूवमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग नॉन अलाइंड मूवमेंट का क्या मतलब है, तो बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम टू पावर ब्लॉक्स, मीन्स अगर एक साइड USA है, एक साइड रशिया है, तो हम किसी के साथ नहीं होंगे, हम दोनों साइड होंगे, ठीक है, तो बीच में रहेंगे, ठीक। तो ये क्या है कि किसी भी हम अगर जो पूरा वर्ल्ड है ना दो पावर में अगर बढ़ जाती है तो भी हम किसी के साथ इंक्लाइन नहीं होंगे। When was non-aligned movement formally established? Non-aligned movement का जो formal establishment हुआ था वो कब हुआ था, 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। How many countries participated in the first non-aligned movement summit? तो पहला जो non-aligned movement हुआ था उसमें कितनी countries ने सब participate किया था, 25 countries ने, ठीक है, 25 countries। When did Bandung, जिसको इंडोनेशिया कहते हैं, अनाउंस द कन्वेंसन ऑफ एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़। तो सबसे पहले जो बांधू में इसको इंडोनेशिया करते हैं, उन्होंने एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो कॉन्फ्रेंस है वो कब अनाउंस किया था, अप्रैल 1995 में। विच इंडियन लीडर प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो फॉर्मेशन करने में सबसे अधिक जो मेजर रोल प्ले किया था वो कौन सा लीडर ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विच प्रिंसिपल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट इन 1987। तो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट 1987 का पार्ट नहीं है, तो वह कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मीन्स श्रीलंका को कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर। तो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट कंट्री है नेबरिंग कंट्री इन चाइना के बारे में, तो इंडिया चाइना का क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं।
विच इज़ द सेकेंड कंट्री अलॉन्ग विथ विच इंडिया शेयर्स इट्स मैक्सिमम बॉर्डर्स। तो ऐसा कौन सा दूसरा कंट्री जिसके पास जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करते हैं, वो है चाइना। और फर्स्ट में कौन है, बांग्लादेश। ठीक है, विच एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू डीमार्केट द बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, ताकि जो तिब्बत और फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनके बीच में जो बाउंड्री है काफ़ी वो क्लियर हो पाए। ये साइन किया गया था शिमला एग्रीमेंट 1914 में। वन वॉज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1 अक्टूबर 1949 में। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकोगनाइज चाइना एज अ सेपरेट कंट्री, तो सबसे पहली बार मतलब ये क्या ही हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले किस कंट्री ने ये रिकोगनाइज किया था कि चाइना है ना एक सेपरेट कंट्री है। ये सबसे पहले इंडिया ने ही किया था रिकोगनाइज 30 दिसंबर 1949 में। When did the bilateral relations between India and China were established? तो सबसे पहले bilateral relation India और China के बीच में, मीन्स दोनों साइड्स रिलेशन, अगर चाइना भी कुछ यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है, वो भी यहाँ से कुछ इम्पोर्ट कर सकता है, ये 1 अप्रैल 1950 में ऐसा स्टार्ट हुआ था। इंडिया हैड साइन पंचशील एग्रीमेंट विथ विच फॉरन कंट्री, तो इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया है कौन से कंट्री के साथ, तो ये चाइना के साथ। विथ विच चाइनीज प्राइम मिनिस्टर डिड PM जवाहरलाल नेहरू साइन पंचशील एग्रीमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने किस चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था, तो वो थे चाओ एन लाई, है ना, चाओ एन लाई। व्हेन डिड इंडिया एंड चाइना साइन पंचशील एग्रीमेंट, इंडिया और चाइना ने पंचशील एग्रीमेंट साइन कब किया था, 29 अप्रैल 1954 में। हु वॉज द इनिशिएटर ऑफ पंचशील एग्रीमेंट, तो पंचशील एग्रीमेंट साइन कराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो किसने प्ले किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। What are the 5 tenets of the पंचशील एग्रीमेंट, जिसके नाम से स्पष्ट है कि पंचशील मतलब पांच, है ना, पांच फैसले में लिए गए थे, वो कौन कौन सा था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मीन्स दोनों कंट्री एक दूसरे को आपस में रिस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन कोई पहले एग्रेसिव नहीं होगा, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस एक दूसरे के मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, दोनों इक्वलिटी के साथ बिहेव करेंगे और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करेंगे, मीन्स जीने देंगे और जिएंगे भी, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। When did Dalai Lama ask for shelter into India after China's invasion to Tibet? जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड कर दिया, तो फिर जो वहाँ के दलाई लामा है ना, जो कि अभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, उन्होंने इंडिया से शेल्टर मांगा कि हमें जगह दे दो, हमें रहना है, 1959 में ऐसा हुआ था। When did China attack NEFA, the North East Frontier Agency? तो चाइना ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को कब अटैक किया था, 1962 को। When did PM राजीव गांधी विजिट चाइना, तो PM प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चाइना को कब विजिट किया था, तो 1988 में। नेक्स्ट है हमारा, विच चाइनीज प्राइम मिनिस्टर सेड डैट सिंस इंडिया एंड चाइना आर टू मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्रीज इन एशिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एशियाज पीस लाइज इन देयर शोल्डर्स। तो ये कौन से प्राइम मिनिस्टर, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो एशिया है ना, एशिया कॉन्टिनेंट के दो सबसे ज़्यादा दो इमर्जिंग कंट्री है वो चाइना और इंडिया ही है, ठीक है, और ये सही भी है, तो इसलिए दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एशिया में पीस बनाए रखे, इस पूरे कॉन्टिनेंट में पीस बनाए रखना ये इन दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहा था जू रोंगजी ने, है ना, जू रोंगजी ने। When did India and China sign an agreement for resolving their border dispute through mutual discussions? तो कब इंडिया चाइना ने ये एग्रीमेंट साइन किया कि हम लोग अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो एक दूसरे में बैठ करके बातचीत करके उसको सुलट लेंगे, ठीक है, ये कहा था 7 सितंबर 1993 को। Which agreement was signed between India and China to demarcate the boundary between Tibet and North East India? तो कौन सी एग्रीमेंट साइन हुई थी जिसमें कि क्या हुआ था कि वो तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसके बीच में एक कंप्लीट अच्छे से बाइफर्केशन हो जाए, अच्छे से बाउंड्री ड्रा हो जाए, ये शिमला एग्रीमेंट 1914 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट नेबर है इन पाकिस्तान, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में। फ्रॉम व्हेन डिड द बॉर्डर इन्वेजन्स एंड इंट्रूजन्स बिगिन फ्रॉम पाकिस्तान टुवर्ड्स द इंडियन टेरिटरी, तो कब से जो पाकिस्तान साइड से हमारे इंडिया में इन्वेजन्स है ना, इंट्रूजन्स कैसे बस घुसपैठ के घुस जाना है, ये कब से स्टार्ट हुआ, 1947 से ही। ऑन हुज इंटरवेंशन डिड द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इन 1948, तो किसके इंटरफेयर करने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर था, राइवलरी था, वो 1948 में थोड़ा कम हुआ है ना, ये यूनाइटेड नेशंस की वजह से हुआ था। इंडिया हैज साइंड इंडस वाटर ट्रीटी अलॉन्ग विथ विच कंट्री, तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी किसके साथ साइन की है, ये पाकिस्तान के साथ साइन की है। इन विच ईयर वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड, तो इंडस वाटर ट्रीटी कौन से साल में साइन किया गया था, 1960 में।
विद हुज असिस्टेंस द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो किसके हेल्प से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था? वर्ल्ड बैंक के हेल्प से. इन विच ईयर वॉज द लियाकत नेहरू पैक्ट फॉर रिफ्यूजीज वेल्थ एंड माइनॉरिटीज वॉज साइन. तो लियाकत और नेहरू पैक्ट ये कब साइन हुआ था फॉर द रिफ्यूजीज वेल्थ और माइनॉरिटीज़ के लिए? 1950 में ये साइन हुआ था. तास्कंद एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो तास्कंद जो एग्रीमेंट हुआ था वो कौन कौन सी कंट्री के बीच हुआ था? ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच. इन विच ईयर डिड इंडियन पीएम लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान साइन एंड तास्कंद एग्रीमेंट? तो तास्कंद एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान के बीच में साइन हुआ था. ये कब साइन हुआ था? 10 जनवरी 1966 में. अंडर हुज असिस्टेंस वॉज द तास्कंद एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो तास्कंद एग्रीमेंट साइन हुआ था वो किसके हेल्प से, किसके इंटरफेरेंस से? USSR है ना, जो कि पहले USSR था लेकिन अब क्या है, रशिया है. शिमला पैक्ट इज एन आउटकम ऑफ? तो शिमला पैक्ट किसका आउटकम है? थर्ड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसी का आउटकम है शिमला पैक्ट. इन विच ईयर बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट? तो इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ही क्या हुआ कि बांग्लादेश अलग हो पाया, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो पाया. ये कब हुआ था? December 1971 में. विच डॉक्ट्राइन सेज दैट इंडिया बीइंग अ बिग कंट्री इन साउथ एशिया शुड गिव यूनिलैटरल कंसेंसस टू इट्स स्मॉलर नेबर्स एंड शुड मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद देम? तो कौन सा डॉक्ट्राइन ये कहता है कि इंडिया क्योंकि एशिया का एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, इस वजह से जितने भी इसके आसपास बाउंड्री पर छोटे कंट्रीज हैं उनके वेलफेयर में इसको ध्यान देना चाहिए ना, और उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना चाहिए. ये गुजराल डॉक्ट्राइन का पार्ट है. हु सेड दैट आई एम रेडी टू गिव फैसिलिटीज टू नेबरिंग कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया सॉवरनिटी एंड सेकुलरिज्म विच इज़ नॉट नेगोशिएबल? तो ये किसने कहा था कि हम दूसरे को एक नेबरिंग कंट्रीज को है ना एक सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, लेकिन ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया के सॉवरनिटी पे सवाल ना उठाए, यहाँ के सेकुलरिज्म पे सवाल ना उठाए. ये बोला था आई के गुजराल ने. विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रेवल टू लाहौर बाय बस इन 1999? तो कौन से प्राइम मिनिस्टर जो कि लाहौर गए थे बाय बस इन 1999 विद अटल बिहारी वाजपेयी? इंडिया का जो ऑपरेशन है ऑल आउट, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड टेररिज्म एंड जम्मू एंड कश्मीर में टेरर अटैक्स होते हैं उसको रोकने के लिए. नेक्स्ट हमारा कंट्री है नेपाल. तो हम पढ़ेंगे अपने इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में. हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर्स विथ नेपाल? तो इंडिया का कितना जो स्टेट है वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो 5, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड. इंडिया एंड नेपाल साइंड ऑन द बायलैटरल रिलेशनशिप एग्रीमेंट इन विच ईयर? इंडिया और नेपाल ने एक बायलैटरल रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन किया है कब? 1950 में. ऑन विच सब्जेक्ट्स इंडिया एंड नेपाल डिड साइन द एग्रीमेंट? तो इंडिया और नेपाल की जो सहमति है, जो एक एग्रीमेंट है फ्रेंडली एग्रीमेंट, ये कौन कौन से चीज़ को लेकर के? सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक. फिर हमारा द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन ट्रेवल फ्रीली इन विच ऑफ द कंट्री विदाउट एनी पासपोर्ट और परमिट? तो कौन सी कंट्री के साथ इंडियन सिटीजन्स बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के, बिना परमिट के ट्रैवल कर सकते हैं? तो वो है नेपाल. इन विच ईयर डिड इंडिया एंड नेपाल साइन ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी? इंडिया और नेपाल ने ट्रेड और ट्रांजिट ट्रीटी कब साइन की थी? 1978 में. सेवा पार्टी अलायंस इज रिलेटेड टू विच नेवर ऑफ इंडिया? तो सेवा पार्टी अलायंस जो है वो कौन से इंडिया के कौन से नेवर कंट्री में है? यह नेपाल में. इन विच ईयर नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री? तो कौन से साल में नेपाल जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया? 28 मई 2008 में. हम लोग देखते हैं कि इंडिया का श्रीलंका के साथ कैसा रिलेशनशिप है. इन विच कंट्री डिड इंडिया सेंड इट्स पीस कीपिंग फोर्स इन 1987 टू रिजॉल्व हर इंटरनल एथनिक प्रॉब्लम? तो श्रीलंका में एथनिक इशूज़ को, इंटरनल जो वॉर था इसको रोकने के लिए 1987 में इंडिया ने फोर्स भेजा था. ठीक है, कौन सी कंट्री में? श्रीलंका में. श्रीलंका वॉज अ कॉलोनी ऑफ विच कंट्रीज प्रायर टू इट्स इंडिपेंडेंस? जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था उससे पहले ये कौन से कंट्री के अंडर था? तो पोर्टुगल, डच और ब्रिटेन के अंदर. इन विच ईयर डिड श्रीलंका गेन इंडिपेंडेंस? तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1948 में. विच इज़ द मेजर रिलीजन ऑफ श्रीलंका? तो श्रीलंका का जो मेजर रिलीजन है वो कौन सा? ये है बुद्धिज़्म. विच इज़ द डोमिनेंट कास्ट ऑफ पीपल इन श्रीलंका? तो श्रीलंका में सबसे अधिक जो कास्ट के लोग रहते हैं वो कौन है? वो है सिन्हलीज़, है ना, सिन्हलीज़. विच कंट्रीज़ हैव बैंड LTTE? तो LTTE जो
एक पार्टी का नाम है, ठीक है, ये कहाँ कौन कौन सी कंट्री में बैंड है, इंडिया, श्रीलंका और यूएसए में। इन विच ईयर डिड इंडिया एंड श्रीलंका साइन ऑन एन एग्रीमेंट, इंडिया और श्रीलंका ने सबसे पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था कौन से साल में, 1987 में। इन विच ईयर डिड इंडियन पीस कीपिंग फोर्स रिट्रीट फ्रॉम श्रीलंका, कौन से साल में इंडियन का जो इंडिया का जो पीस कीपिंग फोर्स था वो श्रीलंका से वापस आया था, तो 1989 से 1990 तक में। द टेररिस्ट फ्रॉम विच ग्रुप असैसिनेटेड पीएम राजीव गांधी, तो पीएम राजीव गांधी को कौन से टेररिस्ट ग्रुप ने असैसिनेट किया था, उनको मार दिया था, वो था एलटीटी, ठीक है। तो एलटीटी का क्या फुल फॉर्म होता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। विच कंट्री इज़ बॉर्डर्ड बाई इंडिया फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स, तो कौन सा कंट्री है जो कि इंडिया को, कौन से कंट्री का जो बॉर्डर है ना इंडिया, वो तीन तरीके से उसको घिरे हुए हैं, वो है बांग्लादेश। फ्रॉम 1947 टू 1971 बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री, 1947 से 1971 तक बांग्लादेश कौन सी कंट्री का पार्ट था, तो ये था पाकिस्तान का पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते थे पहले, ईस्ट पाकिस्तान। इन विच ईयर बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, कौन से साल में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, तो 1971 में। हु वॉज अ लीडर ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट, तो बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट मतलब बांग्लादेश को पाकिस्तान से सेपरेट करने के लिए जो मूवमेंट चलाया था उसके लीडर कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। हु गवर्न बांग्लादेश आफ्टर द डेथ ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, तो शेख मुजीबुर रहमान का जब डेथ हो गया उसके बाद किसने लीड किया बांग्लादेश को, तो यह है जनरल जायोर रहमान, है ना, जनरल जायोर रहमान ने। इंडिया हैज साइन द एग्रीमेंट फॉर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंगा वाटर विथ विच कंट्री, तो इंडिया ने गंगा वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके डिवीज़न के लिए कौन से कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया, तो यह है बांग्लादेश, कौन सा, बांग्लादेश, ठीक है। फिर हमारा इंडिया ने कौन से साल में 3 मेगा कॉरिडोर को बांग्लादेश को ऑफिशियली दे दिया था, 1992 में। इन 1994 विच रेफ्यूजीज रिटर्न फ्रॉम त्रिपुरा टू द हिल्स ऑफ चिटगोंग इन बांग्लादेश, तो कौन से इस साल में, 1994 में, ठीक है, तो रेफ्यूजीज जो त्रिपुरा से वो बांग्लादेश लौट गए थे, तो ये चकमा में, ठीक है। इंडिया हैज साइन फरक्का एग्रीमेंट विथ विच कंट्री, तो इंडिया ने फरक्का एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन किया, ये है बांग्लादेश। हम लोग अब देखेंगे अदर इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। हु वॉज द रशियन लीडर वैन इंडो रशियन फ्रेंडशिप ट्रीटी वॉज साइंड, तो उस टाइम में रशिया के लीडर कौन थे जब इंडिया और रशिया के बीच में इंडो रशियन फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था, वो थे ब्रेजोन, है ना, ब्रेजोन। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट गेव एंड पॉपुलराइज द टर्म रेनबो कोलिशन, तो किसने, कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रेनबो कोलिशन का को टर्म को पॉपुलराइज किया था, तो वो थे बराक ओबामा। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया को, इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो कैसा है। व्हेन डिड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग इन इंडिया टेक प्लेस, तो इंडिया में पहली बार न्यूक्लियर टेस्टिंग कब हुआ था, 18 मई 1974 में। अंडर हुज गाइडेंस द न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया वॉज स्टार्टेड, तो इंडिया में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किसके लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था, होमी जहांगीर बाबा के गाइडेंस में, इनको ही फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम बोलते हैं इंडिया का। वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग डन इन इंडिया, इंडिया में पहली बार न्यूक्लियर टेस्टिंग कहाँ पे हुआ था, ये पोखरण राजस्थान में हुआ था, कहाँ पे, पोखरण राजस्थान में। व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग इन एन इन्हांस्ड स्केल, तो सबसे पहली बार इंडिया ने एक लार्ज स्केल पे न्यूक्लियर टेस्टिंग कब स्टार्ट किया, 30 मई 1998 को। वट वॉज द नेम ऑफ द सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट डन बाई इंडिया, तो इंडिया के द्वारा जो दूसरी बार जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया उसका नाम क्या था, शक्ति 98, ठीक है, शक्ति 98। इन विच पॉलिसी इंडिया क्लैरिफाइड डेट इंडिया सेल्फ पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स बट विल नॉट पुट देम टू यूज़ एट फर्स्ट, तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, तो कौन से साल में इंडिया ने ये कहा कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं लेकिन वो पहले किसी भी कंट्री पे यूज़ नहीं करेगा, अगर कोई कंट्री इस पे यूज़ करता है तो फिर उसको छोड़ेगा भी नहीं, ठीक है। ये कौन से पॉलिसी है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन 2003 के बेसिस पे ये चीज़ माना जाता है। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CTBT, CTBT का क्या फुल फॉर्म है, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसआर्मामेंट। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन बेटरमेंट, तो कौन से इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मीन्स वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो पीसफुली रहे और ह्यूमन के बेटरमेंट के लिए काम करें, यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को।
रिगार्डिंग टू द डिसआर्मामेंट द कॉन्फ्रेंस ऑफ कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट इज लोकेटेड इन. तो डिसआर्मामेंट जो है ना, मतलब किसी भी कंट्री को पहले आर्म्स नहीं यूज़ करने हैं. ये जो डिसआर्मामेंट का जो कमेटी है ये कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में. इन विच ईयर वॉज द न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन. तो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कौन से साल में साइन किया गया, 1963 में. इन विच ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट ऑन अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स अंडर वाटर इन द एटमोसफेयर और इन आउटर स्पेस वॉज बैंड. तो कौन से ट्रीटी के अंदर किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करना मना है, चाहे वो एटमोसफेयर हो, चाहे वो अंडर वाटर हो, है ना, या फिर आउटर स्पेस में. तो ये न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के अंडर ही है. विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट फॉर्मली वॉइस टू कम्प्लीटली बैन न्यूक्लियर टेस्टिंग इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. तो कौन सा कंट्री था जो सबसे पहले इसने मतलब इस फॉर्मली इस चीज़ के लिए वॉइस उठाया कि हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग को पूरे वर्ल्ड में बंद करना चाहिए. और ये आवाज़ कहाँ पर उठाया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, UNG में. ये इंडिया के द्वारा बोला गया था, ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस. व्हेन डिड द लीग ऑफ नेशंस सेटअप. अभी तो यूनाइटेड नेशंस है लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश हुआ था लीग ऑफ नेशंस. ये 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था. हु सजेस्टेड दैट क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर पीस इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो ये किसने मतलब सजेस्ट किया था कि एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करे. ये आइडिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल का. वेयर एंड व्हेन डिड द कॉन्फ्रेंस ऑफ 50 नेशंस टुक प्लेस. तो 50 देशों का जो कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ पे हुआ था, ये अप्रैल 1945 में हुआ था सेंट फ्रांसिस्को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है. व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर. तो यूनाइटेड नेशन डे कब ऑब्जर्व होता है, हर साल 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को. वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिचुएटेड. यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये है न्यूयॉर्क में. कहाँ पर, न्यूयॉर्क में. हाउ मनी प्रिंसिपल ऑर्गेन्स डज यूनाइटेड नेशंस है. तो यूनाइटेड नेशन का कितना प्रिंसिपल ऑर्गेन है, तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन है. विच प्रिंसिपल ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस. तो यूनाइटेड नेशन का कौन सा ब्रांच है जिसका ये काम है कि वो इंटरनेशनल पीस को, इंटरनेशनल पीस को वो मतलब प्रमोट करे, ठीक है. ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम. हम लोग देख लेते हैं बाकी जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन्स यूनाइटेड नेशन के. एक तो सेक्रेटरीट वाला है ना, दूसरा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल. व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कौन मेंबर्स होंगे, तो ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. जो यूनाइटेड नेशन में जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स होंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के. हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं, तभी 193 मेंबर्स हैं. हाउ डज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टेक्स डिसीजन ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स. तो जो भी इंपॉर्टेंट मैटर होता है, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मतलब UNGA में उसका डिसीजन कैसे लिया जाता है, 2/3 मेजोरिटी से. हाउ मेनी मेंबर्स डज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैव. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने हैं, वो तो 5 हैं, लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं. टोटल 15 मेंबर्स हैं. विच आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, फ्रांस, चाइना, रशिया, UK और USA. इन लोगों को वीटो पावर मिला हुआ है. व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में UNSC में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं 10, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने साल का होता है, वो होता है 2 ईयर्स का. विच प्रिंसिपल ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कोऑर्डिनेट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन. तो यूनाइटेड नेशंस का जो भी सोशल और इकोनॉमिक वर्क होता है उसमें कौन हेल्प करता है, तो वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वाला विंग, ठीक है. हाउ मेनी जजेस डज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है, मान लीजिए कि अगर इंटरनेशनल कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, इसमें 15 जजेस होते हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैग में, द हैग नीदरलैंड्स में. हु इलेक्ट द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को कौन इलेक्ट करता है, वो UN सेक्रेटरी काउंसिल और UN जनरल असेंबली दोनों मिलकर के. व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो भी जज होंगे उनका टाइम पीरियड कितना होगा, वो होगा 9 ईयर्स का. विच इज़ द न्यूली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में कौन से लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है एज अ वहाँ के लैंग्वेज, तो है अरबिक लैंग्वेज. हु ब्रिंग्स अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टू एनी मैटर थ्रेटनिंग इंटरनेशनल पीस और एनी मैटर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. तो
अगर कोई ऐसा भी कोई पीस वाला कोई भी मैटर है, ठीक है, इंटरनेशनल पीस वाला, तो इस इंपॉर्टेंट इशूज़ को कौन उठाता, कौन है, सबका अटेंशन कौन खींचता है, वह है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, हाउ मेनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज डज यूनाइटेड नेशंस हैव, तो यूनाइटेड नेशन के पास कितनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो वह 15। अगर हम लोग बढ़ते हैं सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो इसके यूनाइटेड नेशन के जो भी सेक्रेटरी जनरल्स हैं और उनका ऑफिस ऑफ टर्म कितना कितना का रहा है, ये पढ़ते हैं। पहले तो थे ग्लैडविन जेब, जो कि 1945 से 1946 तक रहे थे, फिर टेगविक लाई, जो कि 1946 से 1952 तक, फिर डैम हैमर्सोल्ड, जो कि 1953 से 1961 तक, यू थांट 1961 से 62 तक, कुर्त वेल्डहिम 1972 से 81 तक, जेवियर पार्ट्स डी कुलर, जो कि 1982 से 1991 तक, बॉटोस घाली 1992 से 1996, फिर कॉफी अनान, जो कि 1997 से 2006 तक रहे थे, बानकी मून 2007 से 2016 तक, फिर एंटोनियो गुटेरेस 17 से अब तक हैं, ठीक है। फिर सिंबल्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशंस की जो भी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो इंटरनेशनली जो फंड देती है वो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मतलब IMF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे, जेनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नेंस एंड राइट्स इशूज, इन विच जोग्राफिकल कंटेक्स्ट डिड वर्ल्ड बैंक गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन 1989, तो कौन से जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में वर्ल्ड बैंक ने एक गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया था 1989 में, वो था सब सहारन अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में। वैन डिड वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट टाइटल गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कम आउट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वर्ल्ड बैंक का कौन जो रिपोर्ट है ना गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये कब आया था, ये आया था 1992 में, ठीक है, 1992 में। वैन इज नेशनल गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इंडिया में नेशनल गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट होता है, 25 दिसंबर को, ये कब से सेलिब्रेट, 2014 से। वट इज़ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 नोन एज, तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 को क्या बोलते हैं हम लोग, ई क्रांति, क्या बोलते हैं, ई क्रांति। वट इज़ द विजन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0, तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 का विजन क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। वेन वॉज ई पंचायत प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन इंडिया, इंडिया में ई पंचायत प्रोजेक्ट को कब इनिशिएट किया गया, 2005 में। विच स्कीम हैज़ बिन लॉन्च बाई इंडियन टोबैको कंपनी टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू रूरल फार्मर्स, तो जो भी रूरल फार्मर्स हैं इंडिया के उनको इंटरनेट एक्सेस प्राप्त करने के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था, ई चौपाल। वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर फर्स्ट आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, सबसे पहले सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ, यूनाइटेड किंगडम में 1991 में। When did India adopt Citizens Charter? तो इंडिया ने Citizens Charter को कब adopt किया, 1997 में। Which model was convinced by the Department of Administrative Reforms and Public Grievance in 2006 for improving the quality of public service delivery in the country? तो कौन से मॉडल को adopt किया गया for the मतलब reform in administrative grievances या फिर public grievances में, ये था सैबोतम मॉडल। When did राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज पास इन इंडिया, तो इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट कब पास किया गया, 15 जून 2005 में। आगे हमारा नेशनल सिंबल्स टॉपिक, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्ट्राइप्स, तो इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो 3 stripe में बना हुआ है, 3 equal stripe में, ठीक है। द ऑरेंज कलर इन द इंडियन ट्राइकलर सिंबलाइजेस, तो इंडिया उसमें जो ऑरेंज कलर है उसका क्या मतलब होता है, करेज एंड सेक्रीफाइस। द व्हील इन द ट्राइकलर सिंबलाइज, जो व्हील है बीच में है ना
चक्र है जो, उसका क्या मतलब है, जस्टिस। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द ट्राइकलर, तो ट्राइकलर में जो चक्र है उसमें कितने व्हील्स हैं, तो इसमें 24 है स्पोक्स। ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947 को। वट इज़ द कलर ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, वट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ट्राई कलर ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो फ्लैग है उसका जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2। विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, जनगणमन। इन विच ईयर द नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड बाय द इंडिया, तो इंडिया के द्वारा नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को। वट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर रिसाइटिंग द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल एंथम है उसको गाने का कितना टाइम है, 52 सेकेंड्स, ठीक है। हु हैज़ कम्पोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो किसने कम्पोज किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वट इज़ द नेशनल सिम्बल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल सिम्बल क्या है, अशोक चक्र। वन वॉज द नेशनल सिम्बल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, तो इंडिया का जो नेशनल सिम्बल है वो कब अडॉप्ट किया गया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी लाइन्स आर प्रेजेंट इन द नेशनल सिम्बल अशोक चक्र, अशोक चक्र जो हमारा नेशनल सिंबल है उसमें कितने लायंस हैं, 4। द वर्ड सत्यमेव जयते बिलो द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट, तो इस नेशनल सिंबल के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा होता है वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा होता है, देवनागरी स्क्रिप्ट में। विच इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम। हु हैज़ कम्पोज वंदे मातरम, वंदे मातरम को किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फ्रॉम वेयर हैज़ द वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया बीन टेकन, तो इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आनंद मठ, ठीक है। ये लिखा किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इन विच ईयर द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड, तो वंदे मातरम को जो नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था, 1950 में। द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड ऑन विच एरा, तो इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है ठीक है वो किस पे बेस्ड है, ये सक एरा पे बेस्ड है। विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है ठीक है जो कि सक एरा पे बेस्ड है उसका पहला मंथ कौन सा होता है, वो होता है चैत्र। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है ठीक है उसका लास्ट मंथ कौन सा होता है, फाल्गुन, ठीक है फाल्गुन। वेन वॉज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, तो इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है ठीक है वो कब अडॉप्ट किया गया, 22 मार्च 1957 में। अकॉर्डिंग टू नेशनल कैलेंडर ऑन विच डेट डज द चैत्र मंथ बिगिन, तो इंडिया का जो चैत्र मंथ है ठीक है ये कब से स्टार्ट होता है, 22 मार्च, मतलब हमारे टेक्निकली देखें तो इस दिन हमारा न्यू ईयर होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, जो कि बनियान ट्री है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है फिकस बेंगालेंसिस। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा, लोटस, इसका साइंटिफिक नेम नेलुम्बू नोसीफेरा। विच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल फ्रूट क्या है, मैंगो, इसका साइंटिफिक नेम मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है। इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है, वो है टाइगर, ठीक है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। विच स्पीसीज ऑफ टाइगर इज फाउंड इन इंडिया, इंडिया में टाइगर का कौन सा स्पीसीज पाया जाता है, तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर। वेन वॉज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड, तो प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था, 1 अप्रैल 1973 में। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक, है ना, इसको साइंटिफिक नेम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। इन विच ईयर द पीकॉक वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो पीकॉक को नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कब डिक्लेयर किया गया था, 1963 में। विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल रिवर है वो कौन सा है, वो है गंगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है, गंगा, इसकी लेंथ कितनी है, 25 किलोमीटर्स। फ्रॉम वेयर डज द रिवर गंगा ओरिजिनेट, तो रिवर गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर जो कि हिमालय से निकलती है, ठीक है। तो आज हमारा पॉलिटी का सीरीज खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।